हाय दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पपीते का हलवा बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही टेस्टी होता। तो यहाँ मैं इसको छिलनी की सहायता से पपीते को छील लेती हूँ। धीरे धीरे इसके करके हम पूरा छील लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। ये देखिए, हमने सारा छील लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसको चाकू से काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम काट लेंगे और इसके सारे बीज निकाल देंगे। तो हमने सारे बीज एक एक करके निकाल देंगे। देखिए, इसी तरह से हमने सारे बीज को निकाल लिया और इसको 3-4 बार अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है हमें। दोस्तों, पपीता का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, एक बार ज़रूर आप बनाकर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी होता है और कम सामान में हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे पूरा कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, हम घी में नहीं बना रहे हैं, आज हम हलवे को ऑयल में बनाएंगे। घी किसी के पास नहीं होता तो हलवा नहीं बना पाता, इसलिए हम इसको आज तेल में ही बनाएंगे। तेल में भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों हलवा बनकर हमारा, ऐसा नहीं है कि घी में ही बनाएं। तो हमारा तेल गरम हो गया है। अब यहाँ पे हम पपीता डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ। तो हमने सारा डाल दिया। अब इसको धीरे धीरे हम मिक्स कर देंगे। इसी तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, हमारा कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इसको हम 5 मिनट के ढक देते हैं इसी तरह से, ये हमारा, ताकि अच्छे से गल जाए। अब इसको हम 5 मिनट हो गया है और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा हलवा गल के तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा था और कितना कम हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे लगातार, ताकि हमारा कढ़ाई में लगने ना पाए। तो यहाँ पे हम 1 गिलास दूध डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हम ज़्यादा दूध नहीं डाल रहे हैं, 1 गिलास ही दूध में हलवा बनाएंगे। फिर भी बहुत स्वादिष्ट हमारा हलवा बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हम 1 गिलास दूध डाल देंगे और इसको हम धीरे धीरे मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा गर्म ही दूध डालेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा ठंडा दूध डालेंगे तो दूध हमारा फट जाएगा और दही जैसा दिखने लगे, इसलिए गर्म दूध डालेंगे तो ये फटेगा नहीं और अच्छा भी दिखेगा। तो ये देखिए, फटा नहीं है और अच्छा भी दिख रहा है। तो इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि हमारा दूध अच्छे से सोख ले और पक जाए। तो ये हमारा 5 मिनट हो गया है और इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा दूध धीरे धीरे सोख रहा है और अच्छा कलर भी आ रहा है। तो ये हमारा हलवा धीरे धीरे दूध पूरा सोख लेगा। इसी तरह से हम लगातार इसको मिलाते रहेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिला करके इसको हम अच्छे से मिला कर यहाँ पे 2 चम्मच हम चीनी डालेंगे। इसी तरह से जब हमारा दूध का पानी सोख ले, तभी हम चीनी को डालेंगे। तो हमने 2 चम्मच चीनी डाल दिया और इसको मिला देंगे। तब तक मिलाएंगे जब तक हमारा चीनी का पानी सोख ना ले। इसी तरह से हम इसको मिलाते रहेंगे। ये देखिए, हमारा चीनी भी पानी धीरे धीरे छोड़ने लगा है और ये पानी छोड़कर धीरे धीरे सूख जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम आपको पलटे से दिखा रहे हैं कितना अच्छा हमारा हलवा बन के तैयार हुआ। चीनी भी सोख लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे मिल्क पाउडर। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच बड़े चम्मच से मिल्क पाउडर। दोस्तों, यहाँ पे मिल्क पाउडर डालने से हमारे हलवे का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा और खोए का भी टेस्ट आने लगेगा। यहाँ पे हम मिल्क पाउडर डालकर खोए की कमी पूरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी हलवा हमारा बन के स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे इसी तरह से, ताकि हमारा सारा मिल्क पाउडर मिल के तैयार हो जाए हलवे में। तो ये आप देख रहे हैं कितना अच्छा मिलके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम मिलाते रहेंगे। यहाँ पे अब हम बारीक नारियल का बुरादा डालेंगे। हमने घर पे ही कद्दूकस किया है नारियल का गोला से। आप भी घर पे कद्दूकस कर सकते हैं, और नारियल का बुरादा मार्केट में भी मिलता है, आप ले सकते हैं, या तो आप घर पे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नारियल को बुरादा को भी धीरे धीरे इसी तरह से मिला देंगे और हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा बना है ये देखिए। अब यहाँ पे हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम इलायची इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे हलवे में अच्छी खुशबू आने लगे और बढ़िया लगे खाने में।
तो दोस्तों हमारा हलवा बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना स्वादिष्ट बना है। इस तरह से आप ज़रूर पपीते का हलवा बनाकर खाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया और सर्व करने के लिए इसको हम कटोरियों में निकाल लेते हैं। आप देखिए कितना बढ़िया, कितना सुंदर महक रहा है हमारा हलवा। तो इसको हम एक कटोरी में निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने कटोरी में निकाल लिया और यहाँ पे किशमिश और नारियल से हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।